डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। तो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, आज हम न्यू स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो राइट डाउन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक, देयर इज टू पार्ट। फर्स्ट नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे जो जल्दी लर्न हो जाएगा आपको। पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन का मतलब विचलन। और नेक्स्ट क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, तभी वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो इसके कारण है इंटरमॉलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो किस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। अब यहाँ वही एग्जांपल लेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन आपने ऑलरेडी लिया ही था। तो बाइनरी सॉल्यूशन, तो इन बाइनरी सॉल्यूशन देयर इज टू कंपोनेंट। तो यहाँ कितने कंपोनेंट बताए थे, देयर इज टू कंपोनेंट, फर्स्ट ए और सेकंड कंपोनेंट क्या था, बी। अब ए और बी को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब यह जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा, देखो बेटा, जैसे आपने ए और ए के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है उसको हम एफ ए ए बोलेंगे, ठीक है। बी बी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, बी बी होगा। अब जो दोनों को आप मिक्स कर देंगे तो क्या कौन सा फोर्स हो जाएगा, एफ ए B इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द A एंड B मॉलिक्यूल। अब पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन द ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। तो जो ए ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन है, तो एफ ए बी इंट्रैक्शन, ये जो इंट्रैक्शन फोर्स है वीकर, कैसा होना चाहिए, वीकर बिटवीन द ए ए और एफ बी बी इंट्रैक्शन फोर्स। ए मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स हो या बी बी मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स है, उससे वीकर होना होगा। तो जब आप ए और बी को मिक्स करेंगे तो द ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन द ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। अब प्योर स्टेट में जो आपका बताया था, प्योर स्टेट में हम कैसे नॉट करते हैं, पी ए नॉट, ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, ठीक है। पी बी नॉट, ये आपको किसमें बताया था, प्योर स्टेट में। तो दिस इज द प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। अब क्या होगा, पी ए अगर आपने इक्वल कर दिया तो आइडियल कंडीशन होगी। तो पी ए इज ग्रेटर देन, इंट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में ज्यादा है, ए ए के बीच में, बी बी के बीच में, इसलिए वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ए ए मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा। अब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या होगी, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, इट्स क्लियर। क्यों है ये कंडीशन, क्योंकि ए ए मॉलिक्यूल और बी बी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स कैसा है, कम है, वीक है, इसलिए, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, तो पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। एक्स ए और एक्स बी आपको याद ही क्या होते हैं, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट एंड बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। तो पी
इक्वल टू हम लिखते हैं पी ए प्लस पी बी, टोटल में आप क्या करते हैं दोनों को टोटल कर देते हैं। इसी अब देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन में भी हम यही एग्जांपल लेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, दो कंपोनेंट है आपके पास, सपोज देयर इज टू कंपोनेंट अगेन, कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है। अब इस कंडीशन में वही बात होगी, ए ए इंट्रैक्शन फोर्स क्या है यहाँ भी एफ ए ए होगा, बी बी के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा एफ बी बी होगा। अब दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया ए बी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा ए बी होगा। अब आप क्या देख, यहाँ ए ए और बी बी का इंट्रैक्शन फोर्स किससे ज़्यादा था ए बी से, यह क्या होगा बेटा उल्टा हो जाएगा रिवर्स, एफ ए बी इज ग्रेटर देन एफ ए ए और एफ बी बी, क्लियर। द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द ए बी मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन, तो यहाँ स्ट्रॉन्गर होगा, तो ए और बी के बीच में सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो स्ट्रॉन्गर फोर्स हो जाएगा, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर इज लोअर देन, टोटल वेपर प्रेशर इज लोअर देन द प्योर स्टेट। यहाँ क्या होगा टोटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्योर स्टेट, पी इक्वल टू आप क्या लिखते हैं पी टोटल इक्वल टू हम लिखते हैं पी ए प्लस पी बी। अब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी से ज़्यादा होगा। और यहाँ क्या होगा यही कंडीशन रहेगी, तो पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, ओके। पी टोटल जो आपका होगा पी ए और पी बी हमने मिक्स कर दिया तो बेटा पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो पी ए नॉट और पी बी नॉट से डिनोटेड होगा, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स किसके बीच में है, स्ट्रॉन्गर फोर्स कहाँ है बेटा, स्ट्रॉन्गर फोर्स है इसमें ए और बी के बीच में, यहाँ स्ट्रॉन्गर फोर्स है ए ए और बी बी के बीच में, तो वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर स्टेट, द वेपर प्रेशर ऑफ द लेस देन एंड एट द प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट से वेपर प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्योर स्टेट से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्योर स्टेट से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ प्योर स्टेट से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो राइट डाउन दिस पॉइंट, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, तो नाउ सेकेंड पॉइंट, अभी आपको जैसे बताया था डेल्टा एच में चेंज होगा जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, ए और बी को दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो डेल्टा एच में चेंज होगा। तो सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव याद रखें, डेल्टा एच द चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव आपको क्या क्या कौन सी एनर्जी होती है पॉजिटिव, डेल्टा एच को आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ऑब्वियसली। तो डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब है ये कौन सी एंथैल्पी है, कौन किस टाइप की रिएक्शन है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होता है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो पॉजिटिव डेविएशन में कौन सी रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक, तो ये एंडोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पॉजिटिव है, तो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें बताइए बेटा इसमें क्या लिखा गया, सेकेंड डेल्टा एच फॉर मिक्सचर इज नेगेटिव, नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक
नेगेटिव इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आ गया, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एंड वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज, डेल्टा वी इज इंक्रीज, ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा वी विल बी नेगेटिव। चेंज इन वॉल्यूम इज डिक्रीज, चेंज इन वॉल्यूम इज इंक्रीज, तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, और व्हेन वी इंक्रीज हियर द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे यहाँ तो बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हेनरी लॉ में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। यहाँ क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज, तो सॉरी सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज। तो क्लियर, तो इस तरह आप सॉल्युबिलिटी से समझा देंगे। अब इसका हम एक कर्व ग्राफ बना लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो नाउ राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है हमें, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन आप सिंगल ग्राफ भी बना सकते हैं, हम डबल भी बना सकते हैं। देखो बेटा कैसे बनाना है, जैसे सपोज आप पॉजिटिव डेविएशन का बनाना है, ये हमने यहाँ हमने ले लिया बेटा क्या लेंगे, वेपर प्रेशर, यहाँ हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमने वहाँ एक्स वन और एक्स टू माना था, यहाँ एक्स ए और एक्स बी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये ग्राफ आप ऑलरेडी बना ही चुके हैं, ठीक है। एक्स मोल फ्रैक्शन था, यहाँ एक्स वन की जगह एक्स ए ले लेंगे हम, एक्स ए इक्वल टू जीरो, एक्स बी इक्वल टू वन, याद है आप सभी को। यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स ए इक्वल टू वन, ओके। फिर आइडियल कंडीशन में हम ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं, ये सपोज आपको इस ग्राफ को इस तरह, ये हम आइडियल कंडीशन बना रहे हैं बेटा पहले, तो वी विल स्टार्ट द आइडियल कंडीशन। ये हम बना लेते हैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन, आपको खींचना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये हमने स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये एक्स ए है, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो पी ए हो गया, ये एक्स बी इक्वल टू जीरो, ये अपना पी बी हो गया। अब इसके बाद आइडियल कंडीशन है, तो ये आपकी आइडियल कंडीशन हो गई, जहाँ हम टोटल लिखते हैं, क्या लिखते हैं टोटल में, पी ए प्लस पी बी, ओके। तो ये पी बी कर, ये पी ए कर, ये पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, इस डॉट को हम यहाँ मिला देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पी ए नॉट, प्योर स्टेट में मिल जाएगा। यहाँ से आप देखो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट पी बी नॉट, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब इसमें आगे देखिए आप, ये तो है अपने पास आइडियल कंडीशन, अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो अभी आपको बताया था वेपर प्रेशर अब क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो टोटल वेपर प्रेशर, ये तो इस तरह हमने इंक्रीज कर दिया, अब ये जो ग्राफ बनेगा आपका इस तरह बनेगा, ये डॉट डॉट लाइन से तो हमने आइडियल कंडीशन बताई थी, और ये आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, ये हो गया आइडियल। अब ये ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, अगर आप नीचे बनाओगे तो नेगेटिव डेविएशन होगा, ये हमने बना दिया पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर। ये आपका पी ए का ग्राफ हो गया, पी बी का देखो बेटा, ये हमने बना दिया पी बी का ग्राफ, क्लियर। अब इसी तरह आपको नेगेटिव डेविएशन में बनाना है, अब नेगेटिव डेविएशन में कैसे बनाओगे, लुक
ब्लू से बना रही हूँ मैं। देखिए नेगेटिव डेविएशन में ये आपका नेगेटिव का हो गया, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव बना था, ये हमारा नेगेटिव का ग्राफ हो गया, ओके। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं पॉजिटिव का, ये नीचे आप बनाओगे डाउनवर्ड, ये आपका हो गया नेगेटिव। सॉलिड लाइन है ये तो नेगेटिव डेविएशन को शो कर रही है, ये जो ब्लैक लाइन है ये आपको पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, और ये जो डैश लाइन है वो आपकी आइडियल कंडीशन को शो कर रहा है। तो समझ में आ गया ग्राफ कैसे बनाना है। तो ये आपका हो गया नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर। तो नाउ राइट डाउन द एग्जांपल्स। अब आपसे जनरली कुछ एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनमें आपको बताना होगा कि किसमें पॉजिटिव डेविएशन है और किसमें नेगेटिव डेविएशन है। तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट द एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन में आपको बताया था ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कैसा होता है, वीक होता है। ए ए के बीच में इंट्रैक्शन और बी बी के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल लिखिए, इथाइल एल्कोहल, देर आर मैनी एग्जाम्पल, इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रहता है लेकिन याद कर ले तो बढ़िया है। C2H5OH, साइक्लोहेक्सेन का बता सकते हो, बेंजीन आपको याद है, बॉन्ड मत लगाओ तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा तो एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं, ये हो गया एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड CH2, CO2 की तरह CH2। बेंजीन एंड नेक्स्ट लिख लो, बेंजीन एंड एसीटोन, नेक्स्ट एग्जांपल बेंजीन प्लस, बेंजीन का आपको बताया ही था एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे CH3CO CH3, बेंजीन प्लस एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही सॉल्वेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन भी बोलते हैं इसे एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3, इन दोनों को अगर मिक्स करोगे दोनों का नेचर सेम है, तो क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 दोनों एक तरह से सॉल्वेंट ही होते हैं, ठीक है। तो इनसे जो डेविएशन होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। एसीटोन एंड इथाइल एल्कोहल, एसीटोन ये भी एलिफैटिक है एंड इथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब इथाइल एल्कोहल C2H5OH में कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब एल्कोहल को आपने एसीटोन में मिक्स कर दिया, ये ए है और ये बी है, तो इनका जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो वीक होगा। एसीटोन के बाद इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, तो वाटर वाटर के मॉलिक्यूल में ऑलरेडी इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एल्कोहल एल्कोहल के बीच में इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इंट्रैक्शन फोर्स वीक होगा। तो इनमें ये एग्जाम्पल्स हैं। अब आपके नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स लिखिए। नेगेटिव डेविएशन में जनरली आप याद रखें कोई भी एसिड है HNO3 H2SO4 S3PO4, तो अगर उसमें एक भी एसिड है तो हमेशा वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 में आप क्या मिक्स कर दें, वाटर, HNO3 में आपने वाटर मिक्स कर दिया, ठीक है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म के जनरली सारे एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन में आते हैं, केवल एक क्लोरोफॉर्म और CCl4 ही पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5, ये क्या है, डाइथाइल ईथर, ईथर बहुत ज़्यादा यूज में आता है, सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये डाइथाइल ईथर। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, या एसीटोन एंड CH2 था या एसीटोन एंड इथाइल एल्कोहल था, तो क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ क्या लिखोगे,
एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अभी आपको बताया था एसीटोन का फॉर्मूला CH3CuCH3। एसीटोन में आपने क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दिया। इसके अलावा और अदर एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, फिनॉल एंड एनिलीन। नेक्स्ट एग्जांपल, फिनॉल प्लस एनिलीन। तो फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? बेंजीन रिंग पर अगर हम कौन सा ग्रुप लगा दें, OH, इसको हम फिनॉल कहते हैं। एनिलीन डार्क ब्राउन कलर का होता है, इसको हम NH2 कहते हैं। आप बीच में सर्किल भी बना सकते हो, बॉन्ड भी बना सकते हो। तो इस तरह आप ये याद रख लें, HNO3H2O, H2SO4, H2O, HCl, H2O, कोई भी एसिड हो तो नेगेटिव डिवीजन होगा। तो क्लियर व्हाट इज द नेगेटिव डिवीजन एंड व्हाट इज द पॉजिटिव डिवीजन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होगा? अब नाम से ही पता है, बाइनरी मिक्सचर, हमने दोनों को मिक्स किया। लेकिन अब इसमें एजियोट्रॉपिक क्यों कहते हैं इसे, देखो देखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ये एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कॉमन होता है, इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो दीज आर द बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, इट बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। तो दीज आर एजियोट्रॉप मिक्सचर, डेफिनेशन लिख लें, दीज आर बाइनरी, these are binary mixtures having same composition in liquid, जैसे आपने water है, water आपका ice होगा तो भी H2O है, वेपर है तो भी H2O है, लिक्विड है तो भी H2O है, सेम कंपोजिशन। तो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड एंड वेपर स्टेट। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड क्या होगा इसका, इट बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, हमेशा ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉइल होते हैं। It boils at a constant temperature. अब आपने दोनों को मिक्स किया और एक ही टेम्परेचर पर बॉइल हो रहे हैं, तो आप उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ही नहीं सकते। तो boils at constant temperature. तो boil at constant temperature and their component cannot be separated by fractional distillation. Third point, their components cannot be separated by simple distillation, by fractional distillation, by, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, by fractional distillation. तो कैन बी सेपरेट द एजियोट्रॉप मिक्सचर? नो, इट कांट सेपरेट बिकॉज इट्स कंपोजिशन इज सेम एंड इट बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये भी आपके दो टाइप के होंगे, जैसे अभी आपने पॉजिटिव डिवीजन और नेगेटिव डिवीजन पढ़ा था, सेम उसी तरह। तो ऐसे एजियोट्रॉप मिक्सचर जिनमें पॉजिटिव डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कैसे याद रखोगे, कौन से एग्जांपल आएंगे इसमें, ये भी टू टाइप के होंगे। टाइप्स कितने होंगे इसके, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट है मिनिमम एजियोट्रॉप, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मिनिमम बॉइलिंग
मिनिमम बॉइलिंग एजियो ट्रॉप्स। तो कौन से एग्जांपल लिखोगे इसमें? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से? जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होता है, लार्ज डेविएशन। तो जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होता है वो सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। तो दोस शोज द पॉजिटिव डेविएशन, तो इनमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होता है वो सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। सेकेंड आपका कौन सा होगा बेटा? मिनिमम हो गया, तो मैक्सिमम सेकेंड है, मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कौन से एग्जांपल आएंगे अब आप बताइए? इसमें तो पॉजिटिव डेविएशन आ गया, और इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा? नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ जितने भी एग्जांपल आपने नेगेटिव डेविएशन में पढ़े थे तो वो नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा यहाँ। तो नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन जितने भी सॉल्यूशन है वो कौन सा क्या शो करते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन है वो क्या शो करेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नाउ इट्स क्लियर व्हाट इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सर? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर एक बाइनरी मिक्सर है, इनकी कंपोजिशन सेम होती है लिक्विड में भी और वेपर में भी, कंपोजिशन सेम है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉयल होते हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल होंगे तो ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट करना कठिन होता है। तो नाउ इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू? तो नाउ हैव ए नाइस डे, थैंक यू।